नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम आपको श्री सूक्त का महत्व बताने वाले हैं। श्री सूक्त अर्थात श्री सूक्तकम देवी लक्ष्मी की आराधना करने हेतु उनको समर्पित मंत्र है। इसे लक्ष्मी सूक्तकम भी कहते हैं। यह सूक्त ऋग्वेद से लिया गया है। श्री सूक्त का पाठ धन धान्य की अधिष्ठात्री देवी माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए किया जाता है। श्री सूक्तकम का पाठ यश सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्राप्ति का भी अचूक उपाय है। इस उपाय का प्रचलन अति प्राचीन काल में होता रहा है। श्री सूक्त ऋग्वेदोक्त सिद्ध मंत्र है। श्री सूक्त में 16 मंत्र है। इसके प्रत्येक सूक्त या मंत्र में कुछ ऐसा गुण रहस्य चमत्कार है जिनसे अताह धन संपत्ति की प्राप्ति संभव है। यदि माँ का भक्त इसे पूर्ण श्रद्धा एवं विधि पूर्वक नित्य प्रातः पढ़े तो उसका भाग्य चमकने लगता है। शुभ समाचारों की प्राप्ति होती है। समस्त कार्यों में श्रेष्ठ सफलता मिलने लगती है। अकस्मात धन लाभ के भी योग बनते हैं। श्री सूक्तकम के शुभ फलों में जरा भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। मान्यता है कि माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए इससे अमोघ और सरल उपाय कोई भी नहीं है। चाहे कुंडली में कैसे भी ग्रह बैठे हों, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, पिछले कई जन्मों के कैसे भी पाप हो, सब कट जाते हैं। न केवल इस जन्म के वरन आने वाले जन्मों में भी सुख समृद्धि प्राप्त होती है। जातक की आने वाली पीढ़ियाँ भी सुख समृद्धि को प्राप्त करती है। श्री सूक्तकम का पाठ पूर्व अथवा उत्तर दिशा में मुख करके सफ़ेद गुलाबी आसन पर बैठकर करना चाहिए। श्री सूक्तकम पढ़ने से पहले माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर रोली कुमकुम का तिलक करके कमल लाल गुलाब लाल गुड़हल का पुष्प अर्पित करें एवं प्रसाद चढ़ाएं। अगर संस्कृत में पाठ ना कर पा रहे हो तो उसे हिंदी में धीरे धीरे बिल्कुल साफ पढ़ें। श्री सूक्त का पाठ करते समय पूरा ध्यान माता महालक्ष्मी की तरफ रहना चाहिए। नवरात्र दीपावली शुक्रवार को तो इसको एक से अधिक बार भी पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो देखने के लिए ज्ञान गंगा चैनल से जुड़े रहिए। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करें।